सुनीताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हमने बनाया है व्हाइट सॉस पास्ता। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है, यकीन मानिए आप मेरे तरीके से व्हाइट सॉस पास्ता बना करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने बहुत ही कम सामग्री का उपयोग किया है, आप मेरे तरीके से झटपट में पास्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा, आप मेरे तरीके से एक बार व्हाइट सॉस पास्ता बना करके ज़रूर खाएं। तो इसमें सामग्री देख लेते हैं क्या सब सामग्री का हमने उपयोग किया है। सबसे पहले गाजर ले लेंगे, आधा कप के करीब गाजर है, एक शिमला मिर्च है और आधा कप से कम हमने बीन्स ले लिया है, एक बड़ा वाला प्याज उसको काट करके ले लिया है, तीन हरा मिर्च, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, तीन लहसुन का कली मैंने काट के ले लिया है, दो बटर का क्यूब ले लिया है और दो चीज है उसका चीज का भी क्यूब हमने ले लिया है। उसके बाद बेसिल आप ले लेंगे आधा चम्मच के करीब, उसके बाद ओरिगानो ले लें इसका भी आधा चम्मच ले लेंगे, और पास्ता सीजनिंग ले लेंगे, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, क्रीम चार चम्मच ले लेंगे। उसके बाद 200 ग्राम के करीब ये देखिए लंबा वाला पास्ता हमने ले लिया है, इसको हम उबालेंगे। ये लंबा वाला में पूरा लाइनिंग लाइनिंग रहता है तो इसमें सॉस जो है ना बढ़िया तरह से मिल जाता है, इसलिए आप ये वाला ही लें, प्लेन वाला बिल्कुल ना लें। उसके बाद 200 ग्राम के करीब आप दूध ले लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दें, फ्लेम को हाई कर दें, उसके बाद आधा लीटर के करीब उसमें आप पानी डाल दें। पानी डालने के बाद वो जब गर्म होने लगे उससे पहले थोड़ा सा नमक डाल दें, एक चौथाई चम्मच से भी कम नमक डाल दें। नमक डाल करके उसमें एक उबाल आने दें, देखिए बुलबुला जैसा उठने लगा है, इसमें आधा चम्मच के करीब आप तेल डाल दें। तेल डालने से होता क्या है कि पास्ता जो है ना जब उबलेगा तो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है, अब आप इसमें जो है ना पास्ता को इसमें डाल दें। मैंने आटा वाला पास्ता लिया है, आप चाहे तो मैदा वाला पास्ता आपके घर में है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आटा वाला पास्ता ले लिया है क्योंकि हेल्दी भी तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने आटा वाला पास्ता लिया है। ये धीरे धीरे देखिए उबलने लगा है, उबलने के बाद जब 8 मिनट हो जाए तो एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद एक पास्ता लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि अच्छे तरह से ये कुक हुआ है या नहीं। इसको प्लेट में रख करके एक काट करके चाकू की सहायता से आप देख लें, बढ़िया से जल्दबाजी में कट जाए तो समझ जाइए कि हो चुका है, नहीं कटे तो समझ लीजिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये देखिए अभी इसमें 2 से 3 मिनट तक और कुक करने के लिए बचा हुआ है, तो इसको इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे, 2 से 3 मिनट तक और कुक कर देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट तक हो चुका है, इसको आप इसको निकाल लें क्योंकि ये जो गर्म रहता है ना इसका भाप में भी और पकते रहता है, इसलिए इसको अच्छे से आप प्लेट में निकाल करके सभी को रख लें। ये देखिए हमने सभी को निकाल लिया है, निकालने के बाद एक फ्राई पैन चढ़ा दें, फ्राई पैन में 2 चम्मच के करीब तेल डाल दें, तेल चाहे तो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हरा मिर्च डाल दें, जब वो गर्म हो जाए तो उसके बाद लहसुन डाल दें। लहसुन डालने के बाद आधा मिनट तक इसको भून लें, मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, अभी हाई फ्लेम में बिल्कुल ना भूने। आधा मिनट होने के बाद इसमें हमने जो सब्जियां काट करके रखी थी वो सब्जियां इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। प्याज डाल दें, बीन्स डाल दें, गाजर हमने काट करके रखा था वो डाल दें, और उसके बाद शिमला मिर्च डाल दें। और भी दूसरी कोई सब्जी या पनीर वगैरह या कॉर्न डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको हल्का नमक डाल करके हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें, ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि बाद में फिर से इसको हम कुक करेंगे तो वो और कुक हो जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट तक ये अच्छे से भुना हुआ चला गया है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि व्हाइट चीज़ पास्ता आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए एकदम अच्छे से भुना गया चला गया, आप इसको प्लेट में निकाल करके रख लें। उसके बाद उसी फ्राई पैन में 2 चम्मच के करीब आप बटर डाल दें, आप फ्लेम को लो रखेंगे, हाई बिल्कुल ना करें। देखिए बटर जब अच्छे से पिघल जाए उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो हमने 1 चम्मच रखा था वो उसमें डाल दें,
डालने के बाद मीडियम फ्लेम में ही 1 मिनट तक इसको भी भून ले, ज़्यादा लाल बिल्कुल नहीं करना है। देखिए 1 मिनट तक ये भुना हुआ चला गया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना भूनिए। भुनने के बाद 200 ग्राम जो हमने दूध रखा था वो धीरे धीरे करके इसमें आप डाल दें, मिलाते भी जाए। क्योंकि एक बार में दूध डालेंगे तो थोड़ा सा लंग्स पड़ने का रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाए और उसके बाद मिलाते जाए, और किनारी में जो ये लग रहा है इसको भी हटाते जाए। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। चीज़ का क्यूब जो हमने रखा था वो चीज़ उसमें डाल दें, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। ऐसे भी डालने के बाद वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ऊपर से जो सब्जियां हमने भून करके अलग से रखी थी वो सब्जी डाल दें, और पास्ता को उबाल करके जो हमने रखा था वो सारा इसमें डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। अगर ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा ऊपर से आधा कप और दूध आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दें। अच्छे से मिलाएं इसको। मैंने ये 3 से 4 आदमी के लिए बनाया है, आप चाहे तो कम भी बना सकते हैं। सभी को मिलाने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा इसमें आधा कप के करीब पानी पानी नहीं दूध डाला था, सो वीडियो स्किप हो गया है। देखिए एकदम पूरा तरह से एकदम अच्छे से सूख गया है। इसमें जो है ना 1/4 चम्मच से भी कम हमने नमक डाला है, क्योंकि पहले भी हमने नमक इसमें डाला था, बटर में भी नमक होता है। इसमें 4 चम्मच के करीब आप क्रीम डाल दें, अगर घर का क्रीम है तो घर का भी क्रीम आप डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच से भी कम आप काले मिर्च दरदरा कुटा हुआ वो डाल दें, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम आप चिली फ्लेक्स डाल दें। चिली फ्लेक्स आपको अगर इच्छा हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इन सभी को डालने के बाद आप मिला दें। मिलाने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन मानिए आप मेरे तरह के से व्हाइट सॉस पास्ता बना करके खाए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा बेसिल जो हमने रखा था सो ओरिगानो, और उसके बाद पास्ता सीजनिंग जो हमने रखा था वो 1/4 चम्मच डाल दें, नहीं तो आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करके डाल दें सारा चीज़ तो और भी इसका पास्ता का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। डालने के बाद इन सभी को मिला दें। मिलाने के बाद 1 मिनट तक और भून लें। भूनने के बाद आप गैस को बंद कर दें, उसके बाद प्लेट में आप निकाल लें। ये देखिए व्हाइट सॉस पास्ता देखने में कितना अच्छा लगता है। बड़े बच्चे सभी को आपके घर में बहुत ही पसंद करेंगे। आप मेरे तरीके से व्हाइट सॉस पास्ता ज़रूर बना करके खाएं। मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और तरह तरह का खाना बना करके खा सकते हैं। मेरे बेटे को तो ये व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद सर्व करें। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।